आइए सुनते हैं श्री सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्तिभाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए एक शक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे भी इस व्रत का सारा विधान बताइए। आपके कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से इस व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं अपनी कन्या के विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती अपने पिता के घर में दिनों दिन बड़ी हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलवाया और कहा कि मेरी कन्या के लिए योग्य वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वाणी पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधुओं को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री नारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख और कष्ट मिले। अपने कार्य में कुशल साधु ने अपने जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नापुर नगर में गया। वहां जाकर दमा ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। चोर ने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि हे राजन, मैं उन दोनों चोरों को पकड़ लाया हूँ। आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें।
राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी थी। अन्न की चिंता में कलावती ने एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजा देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर घर रात को वापस आ गई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है। कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान ने इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उन्हें वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। नारायण भगवान राजा को यह सब कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोले कि वाणी पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोले, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। इति श्री श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।